चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लासेस। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं सभी बच्चों को रोज़ रोज़ लिंक शेयर नहीं कर पाता हूँ। कभी जो है अगर थोड़ा टाइम हो जाता है, अगर क्लासेस स्टार्ट करना होती है, तो इसीलिए मैं कुछ ही बच्चों को लिंक सेंड कर पाता हूँ। तो आप जो है अपने आपस में लिंक जो है वो बराबर सेंड करते रहा कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद कर दिया कीजिए। ठीक है, और चलिए तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अभी तक हम लोग जान चुके हैं जो डायोड का या पीएन जंक्शन के बारे में, किस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, यह हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, है ना। अब आप लोग जानते हैं कि अर्धचालक क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, ये सारी बातें आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो विभिन्न प्रकार के डायोड्स होते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको एक डायोड बना अभी एक डायोड के बारे में बताया था। पिछले लेक्चर में हमने इस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, या अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ा था। ठीक है, तो आप अभी तक केवल एक साधारण डायोड के बारे में जानते हैं। देखिए, डायोड जो होता है वो और भी प्रकार के होते हैं, है ना। डायोड जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आपके सिलेबस में चार डायोड्स दिए हुए हैं। इन चार डायोड्स के नाम मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम इनके वन बाय वन देखते हैं कि इसमें किस तरह का अरेंजमेंट होता है, किस तरह की डिवाइस होती है, और इनके क्या काम होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देखिए एलईडी क्या होता है ना। एलईडी, ये जो एलईडी टेलीविज़न वगैरह है उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। एलईडी एक डिवाइस होती है, एक डायोड होता है। ठीक है, हालांकि जो एलईडी टेलीविज़न है उसमें भी इन डायोड्स का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये इनका जो आकृति है, आकार है, वो काफ़ी छोटा होता है। इसका केवल जो सिद्धांत है वो एलईडी का यूज़ किया जाता है वहाँ पर, है ना। तो इसको हम, ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे, सेकंड नंबर पे फिर हम लोग देखेंगे कि जो वेरेक्टर है, वेरेक्टर किस तरह का डायोड होता है, वेरेक्टर डायोड के बारे में जानेंगे, है ना। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे फिर कि जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड के बारे में भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग जानेंगे कि फोटो डायोड क्या होता है। ठीक है, फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर कि आखिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलईडी क्या होता है। ठीक है, एलईडी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें क्या होता है कि जब इसे हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, जैसे नॉर्मली हम डायोड को, जैसे ये हमारे पास यदि कोई डायोड है, ये डायोड है हमारे पास, है ना। इस डायोड को हम लोग जब फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस का मतलब है इसको पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तब इसमें क्या होगा, एक फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी, है ना, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है, तो फॉरवर्ड करंट फ्लो होने के दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो होल्स हैं वो क्रॉस करके पी जो बैरियर जंक्शन होता है या डिप्लेशन रीजन इसके बीच में होता है ना, ये डायोड पे डिप्लेशन रीजन होता है। तो ये फॉरवर्ड करंट जब फ्लो होती है, तब यहाँ पी साइड में जो होल्स हैं वो बैरियर पोटेंशियल को पार करके डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं, और डिप्लेशन रीजन को जब ये क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर जो एन साइड है, इस एन साइड पर आकर ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन का पुनर्मिलन होता है। ठीक है,
होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जब होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है क्रिया करते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ऊष्मा रिलीज की जाती है ना। तो ये जनरली जो डायोड होते हैं, जनरली डायोड में जो ऊष्मा है वह हीट के रूप में रिलीज की जाती है। ठीक है, जनरली डायोड्स में जो एनर्जी है वह हीट के रूप में रिलीज की जाती है। इस कारण से जो डायोड्स हैं वह क्या होते हैं, गर्म होते हैं। कार के दौरान, वर्किंग के दौरान जो है उनमें थोड़ी बहुत हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यदि मान लीजिए इस डायोड में, चूंकि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का डायोड है ना, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के डायोड में क्या होता है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर पुनर्मिलन के दौरान क्या हो रहा है, एनर्जी मुक्त हो रही है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए एनर्जी बेंड डायग्राम हमने पढ़ा है, यहाँ पर मैं एक एनर्जी बेंड डायग्राम बना करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने जो एनर्जी बेंड डायग्राम पढ़ा है, तो एनर्जी बेंड डायग्राम में आपने देखा है देखिए एनर्जी बेंड डायग्राम जो हमने पढ़ा था, तो एनर्जी बेंड डायग्राम में हमें पता था कि यदि मान लीजिए है ना, इस तरह से हमने एनर्जी बेंड डायग्राम देख बनाया था है ना, एक तरफ कंडक्शन बेंड होता है और एक तरफ दूसरा होता है ये संयोजन बेंड, ये होता है संयोजन बेंड। ठीक है, अब जो होल्स होते हैं, होल्स जनरली कहाँ पर होते हैं, होल्स सामान्यतः जो है वहाँ इस चालन बेंड में होते हैं, सॉरी इस संयोजन बेंड में होते हैं, यानी बैलेंस बेंड में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन सामान्यतः कंडक्शन बैंड में होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो देखिए क्या होगा कि ये जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है ना, इनकी एनर्जी हाई है। और जो होल्स हैं, होल्स जो हैं उनमें एनर्जी कम होती है। तो क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की कक्षा में जा रहा है और इस होल से अगर क्रिया कर रहा है, तो ये जो बाकी की एनर्जी है इसको क्या करेगा, जो बैंड गैप के बराबर एनर्जी, इसको मुक्त करेगा एनवायरनमेंट में, है ना। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी ये रिलीज होगी है ना, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी देखिए कितने रूपों में रिलीज हो सकती है, ये एनर्जी अगर आप जर्मेनियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, यदि हम लोग यहाँ पर जर्मेनियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यदि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये एनर्जी हीट के रूप में उत्पन्न होगी है ना, हीट के रूप में रिलीज होगी। लेकिन यदि देखिए हम लोग क्या करें, अब ये डायोड जो है ना, इस डायोड को यदि हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा अन्य मटेरियलों का भी बना सकते हैं, ठीक है, तो यदि हम इसे विभिन्न मटेरियल, जैसे दूसरे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, यदि जैसे हम यहाँ पर नाम लिखें उदाहरण के तौर पर, यदि हम यहाँ पर नाम लिखें, तो जैसे मान लीजिए हम यदि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए गैलियम फास्फोरस है ना, गैलियम फास्फोरस और यदि जैसे आर्सेनाइट, ठीक है, इस तरह के मटेरियलों को मिलाकर के यदि हम लोग यौगिक बनाएं, एक कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं है ना, तो ये भी क्या होता है, ये जनरली सेमीकंडक्टर ही होता है। और इस सेमीकंडक्टर को यदि मिलाकर के यदि हम डायोड बनाएं, तो उस डायोड में यह गुण होता है कि जब इसके इलेक्ट्रॉन चालन बेंड से जो संयोजी बेंड के होल से मिलते हैं, तो ये अपनी ऊर्जा को प्रकाश के रूप में, लाइट वेव्स के रूप में रिलीज करते हैं। ठीक है, ये लाइट के रूप में रिलीज करेंगे, यानी कि इस तरह के डायोड में जो इस तरह का आप यदि डायोड बना दें है ना, ये मान लीजिए आप कोई डायोड यदि बना रहे हैं,
और इस डायोड में यदि हमने यहाँ बीच में यहाँ एक डिप्लेशन रीजन होता है ना। तो देखिए इस डायोड में क्या होगा, यदि ये वाला जो डायोड है जिसे हमने किस मटेरियल से बनाया है, जिसे हमने बनाया है या तो ये जो तीन मटेरियल मैंने लिखे हुए हैं, इन तीन में से किसी भी मटेरियल के कंपाउंड से मिला करके, मतलब जैसे आप गैलियम को आर्सेनाइड से मिला दीजिए तो भी जो है हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल जाता है, या फास्फोरस को जो है आर्सेनाइड के साथ मिला दीजिए, या गैलियम और फास्फोरस को मिला दीजिए, तो ये जो मटेरियल है ये क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर कंपाउंड है इनके द्वारा यदि हम लोग कोई डायोड यदि बनाते हैं, यानी कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल मिला करके, और यदि हम यहाँ पर एक डायोड का निर्माण करते हैं, तो इस तरह का जो डायोड होता है, इस तरह के डायोड को हम कहते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। और वो क्यों कहते हैं वह मैं अभी बस जस्ट आपको बताने वाला हूँ कि देखिए क्या होता है कि इस तरह का जो मटेरियल है, इस तरह का जो डिवाइस है या डायोड है, जब इसे आप लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके और यहाँ इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेंगे, और जब ये क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट के रूप में एनर्जी मुक्त की जाएगी, है ना, लाइट के रूप में एनर्जी मुक्त की जाएगी, रिलीज की जाएगी, है ना, यानी एमिट की जाएगी। अब चूंकि ये जो डायोड है ये लाइट को एमिट कर सकता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई ग्लास की विंडो लगा दें, है ना, यहाँ पर आपने क्या किया, कोई कांच का विंडो लगा दिया, प्लास्टिक का विंडो लगा दिया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको लाइट निकलता हुआ दिखेगा, चारों दिशाओं में आपको लाइट निकलता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए ये जो मटेरियल है, ये जो एलईडी है, चूँकि ये लाइट को एमिट कर सकता है, इसीलिए हम इस एलईडी को क्या, इस डायोड को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। फिर से एक बार इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें से लाइट निकल सकता है, और ये लाइट क्यों निकलती है इसमें से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वह होल से क्रिया कर रहे हैं, है ना, इस पूरे मटेरियल में यहाँ से जो है लाइट निकलेगी, क्योंकि देखो इस तरफ भी तो, इस यहाँ पर भी तो जो है इलेक्ट्रॉन होल से क्रिया करेंगे, तो इस तरह से दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल का पुनर्मिलन होगा, और इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है, चूँकि वो हाई एनर्जी वाले बैंड में होते हैं, तो वह जब होल में मिलते हैं तो वह अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करेंगे तभी वह होल से मिलन कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर लाइट एमिशन होता है, यानी कि लाइट निकलती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। अब देखिए लाइट एमिटिंग डायोड जो है, लाइट एमिटिंग डायोड में, लाइट एमिटिंग डायोड में जो लाइट निकलता है, चलिए इसे क्लियर करते हैं। अब देखिए लाइट एमिटिंग डायोड में आपने देखा होगा कि जो एलईडी मार्केट में आते हैं उसमें अलग अलग कलर का लाइट निकलता है ना, रेड कलर के एलईडी भी आते हैं, येलो कलर के एलईडी भी आते हैं, है ना, इसी तरह से अलग अलग कलर के, ग्रीन कलर के एलईडी भी आते हैं, है ना। तो देखिए होता क्या है कि यदि जो मटेरियल्स मैंने आपको बताए, यदि हम मटेरियल की, जैसे मान लीजिए आप यदि गैलियम और आर्सेनाइड को यदि हम लोग मिलाते हैं, यदि गैलियम और आर्सेनाइड को, यदि आर्सेनाइड को हम मिलाते हैं, तो इस तरह का जो एलईडी होता है वह रेड मटेरियल को एमिट कर सकता है, ठीक है। और यदि हम लोग गैलियम और फास्फाइड को मिलाते हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रीन लाइट मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए केवल मैंने एक आपको नॉलेज के लिए बता दिया, बाकी हालांकि ये आपको जो है कम ही संभावना है कि पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है ये एलईडी होता है। अब देखिए एलईडी जो जनरली दिखते किस तरह के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एलईडी आखिर वास्तव में किस तरह के दिखते हैं।
यहाँ देखें आप लोग, तो ये देखिए आप स्क्रीन पर आपको एक जो वास्तविकता में जो फिज़िकल जो एलईडी होते हैं वो एलईडी आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ बच्चों ने इस एलईडी को देखा भी होगा, लेकिन जिन्होंने आज तक नहीं देखा है तो वहाँ यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह से एलईडीज जो हैं वह दिखते हैं। ये जो आप सर देख रहे हैं इस तरह से वास्तव में एलईडीज दिखते हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर अलग अलग कलर के एलईडीज होते हैं, ग्रीन कलर वाले भी जो लाइट को जो है वह ग्रीन कलर इमिट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये रेड कलर इमिट करने वाले एलईडी भी होते हैं और ब्लू कलर वाले भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करके आपने एलईडी को बनाया है ना। क्योंकि देखिए जब जो इलेक्ट्रॉन है वह चूँकि जब होल से क्रिया करेगा तो वह नीचे वाले यानी कि संयोजन बिंड में जाएगा, वह संयोजन बिंड में जाएगा तो वह अपनी ऊर्जा को रिलीज करेगा। अब ये ऊर्जा जो है ऊर्जा के हिसाब से वह वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ के फोटान को रिलीज करता है, इसीलिए हमें कलर भी अलग अलग नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए ये एलईडी के अंदर की चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। चूँकि यह हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल एक आपको आइडिया के हिसाब से मैंने यहाँ पर बता दिया था, ठीक है। इसमें कैथोड और एनोड जो हैं ये जब भी हम सर्किट में प्रयोग करते हैं तो कैथोड और एनोड जो है आपको इसकी पहचान करना आवश्यक होती है। तो आप देखें इसकी कैथोड और एनोड की पहचान करने के लिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि इसकी जो अंदर की प्लेट है जो बड़ी होती है वह कैथोड होता है और जो छोटी होती है वह एनोड होता है, ठीक है। इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एलईडी का सिंबल ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। देखिए एलईडी का सिंबल हम लोग देख लेते हैं, चलिए एलईडी का सिंबल हम लोग बनाते हैं। तो देखिए आप इस तरह से जनरली हम लोग ये डायोड का सिंबल बनाते हैं, है ना। और डायोड में देखें चूंकि एलईडी क्या होता है, एलईडी एक डायोड ही एक प्रकार का, लेकिन ये क्या करता है यहाँ से लाइट भी निकलती है। तो यहाँ हम तीर के द्वारा दर्शा देते हैं कि एलईडी क्या कर रहा है, ये लाइट को निकाल रहा है। तो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर ये लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें, ये है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखिए आप लोग जो है इसके कुछ यूज़ याद रख लीजिए कि एलईडी का आखिर हम लोग यूज़ क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला यूज़ होता है इंडिकेटिंग के लिए, ये इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंडिकेटर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जैसे मान लीजिए आप ने FM या रेडियो जो होते हैं, FM रेडियो या विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हम पावर ऑन या ऑफ करते हैं तो एक छोटा सा लैंप टाइप का जो है वह प्रकाशमान हो जाता है। तो वह जो लैंप होता है वास्तव में वह एक एलईडी होता है, ठीक है। एलईडी यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि इनका एक तो लो पावर लेते हैं ये, ठीक है, पावर बहुत कम लेते हैं, बहुत कम पावर कंजम्पशन करते हैं, वोल्टेज बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं, 3 वोल्ट पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लाइफ टाइम होती है ये 20 साल तक इनकी लाइफ टाइम होती है, ठीक है, 20 साल तक ये बिना खराबी काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला डायोड के बारे में, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट डायोड हमारा, जो नेक्स्ट डायोड है हमारा, नेक्स्ट डायोड के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट डायोड है, नेक्स्ट डायोड हम लोग पढ़ेंगे वैरेक्टर के बारे में, ठीक है, वैरेक्टर। ठीक है, तो देखिए जो वैरेक्टर होता है, वैरेक्टर एक ऐसा डायोड होता है जिसके जिसका यूज़ हम लोग एक कैपेसिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं ना। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जब हम लोग बनाते हैं तो कैपेसिटर में क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, है ना, दो चालक प्लेटें होती हैं,
और उनके बीच में कोई कोई मटेरियल या तो वो रखा नहीं जाता, बिल्कुल गेप रख दी जाती है। यहाँ पर एयर जो है वह इंसुलेटर की तरह काम करती है, या फिर इसके बीच में यहाँ पर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे लकड़ी इत्यादि का पिले इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो है ये जो सर्किट होता है इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करते हैं, केवल दो प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट इस तरफ, है ना। और इस प्लेट के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया जाता है, कोई भी मटेरियल जैसे कि लकड़ी इत्यादि वगैरह जो है यहाँ पर बीच में इसके फिल कर दी जाती है ना। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है बीच में, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कंडक्शन नहीं हो सकता, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। और ये चालक पदार्थ की चालक प्लेटें होती हैं ये, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। जो कैपेसिटर आप लोगों ने स्टार्टर वगैरह में देखा होगा, पंखे में लगाते होंगे वो देखा आपने, तो ये उसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है। अब देखिए इसकी जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कि ये कितनी विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकता है ना, उसे हम किस आधार पर माप सकते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। देखिए उसका फार्मूला तो है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस बराबर होता है एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डब्लू टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तो एक कॉन्स्टेंट है एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसके बाद जो ए होता है, ए मतलब होता है कि ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। इन प्लेट्स का जितना लंबा बड़ा आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या, ए जो होता है ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और डब्ल्यू डी जो होती है, डब्ल्यू डी बताता है कि ये जो बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है इसकी विड्थ कितनी है। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी जो कैपेसिटेंस है उतना ही कम होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपने कैपेसिटेंस के बारे में जाना, देखिए ये कैपेसिटेंस के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि वैरेक्टर एक्चुअली होता क्या है, वैरेक्टर डायोड जो होता है वह किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे एक बार हमने यदि मान लीजिए कैपेसिटर बना दिया यहाँ पर, तो इस कैपेसिटर में जो प्लेट्स की विड्थ जो है वह फिक्स होती हैं, उसमें जो मटेरियल भरा होता है उसको भी हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस आप वेरी नहीं कर सकते, यानी कि बदल नहीं सकते, इसे कैपेसिटेंस को हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यदि आपको कैपेसिटर परिवर्तित करना है तब हम क्या करते हैं, एक वैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वैरेक्टर क्या होता है, वैरेक्टर एक ऐसा डायोड होता है, एक इस प्रकार का डायोड होता है कि जिसमें जिसके बीच में जो कैपेसिटेंस होता है, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी डायोड ये जो है उसमें एक रेजिस्टेंस, उसमें बीच में कैपेसिटेंस होता है 15 पिको फेराडे तक हमने कैपेसिटेंस देखा था, जो इन रेंज के कैपेसिटर डायोड थे, इन 4001 से लेकर के 7 तक की रेंज के जो डायोड थे उनका हमने कैपेसिटेंस देखा, वह कितना था, 15 पिको फेराडे तक था, है ना। 15 पिको फेराडे तक इनका कैपेसिटेंस था। तो क्या होता है, देखिए वेरिएक्टर जो होते हैं ना, इस तरह के डायोड होते हैं जिनका कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है ना। जैसे यदि मान लीजिए एक डायोड है, जैसे यदि मान लीजिए ये कोई डायोड है और इस डायोड को यदि आप रिवर्स वायस लगा दें, है ना, इसमें यदि हम लोग रिवर्स वायस लगा दें यानी कि नेगेटिव प्लेट को पी साइड से जोड़ दें और पॉजिटिव प्लेट को एन साइड से जोड़ दें, तो इस तरह का जो डायोड है, इस तरह के डायोड का जो कैपेसिटेंस होता है उसे हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये वोल्टेज का मान यदि आप कम ज़्यादा करेंगे, इस वोल्टेज को चेंज करेंगे, रिवर्स वायस को चेंज करेंगे, तो रिवर्स वायस के साथ क्या होगा, रिवर्स वायस के साथ इस डायोड का कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो वह डायोड जिसका कैपेसिटेंस रिवर्स वायस के साथ चेंज हो सकता है
उसे हम लोग नाम देते हैं वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो चलिए एक और बार मैं ट्राई करता हूँ, एक आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ, जिससे शायद आपको क्लियर हो जाए कि इसका कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं विंडो को। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक डायोड बनाते हैं पहले। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो डायोड है ना, इसी तरह से डायोड होता है हमारा, है ना, बीच में इसके होता है पी, जो बैरियर डिप्लेशन रीजन होता है इसमें भी, यहाँ बीच में है ना। तो ये इस तरह का जो है, ये आपको डायोड के बारे में पता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कि जैसे मान लीजिए क्या होगा, हम यहाँ रिवर्स बायस लगाते हैं, जैसे ही हम लोग इसमें रिवर्स बायस लगाते हैं, है ना, पी साइड को हम लोग नेगेटिव से और एन साइड को हम लोग पॉजिटिव से लगाते हैं, है ना। और तो क्या होगा यहाँ पर, कि देखिए ये रिवर्स बायस में मैंने बताया था कि जो नॉर्मल डिप्लेशन रीजन है, इसकी विड्थ क्या होती है, बढ़ने लगती है ना, इसकी विड्थ बढ़ने लगती है। अब ये जो रीजन होता है, ये डिप्लेशन रीजन, इस डिप्लेशन रीजन में आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ होते प्लस आयन्स और दूसरी तरफ होते हैं माइनस आयन्स, है ना, एक तरफ प्लस आयन्स दूसरी तरफ माइनस आयन्स। यहाँ देखिए केवल आयन्स हैं, है ना, यहाँ पर केवल आयन है ना, यहाँ पर कोई कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज यहाँ पर है ही नहीं, ना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही नेगेटिव चार्ज है, ना इलेक्ट्रॉन्स है, ना होल्स हैं, है ना, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही होल्स हैं। तो इस मटेरियल को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसे हम कह सकते हैं ये है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर में बीच में होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। और यहाँ देखिए यहाँ पर एक तरफ होल्स हैं और एक तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इसी तरह से जो कैपेसिटर भी होता है, कैपेसिटर की जो दो प्लेटें होती हैं, कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती हैं, इन दो प्लेट्स में एक तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए हम ये जो डायोड है, इस डायोड को एक तरह से कैपेसिटर कह सकते हैं, ये एक तरह से कैपेसिटर की तरह दिख रहा है। लेकिन चूंकि देखिए हम लोग डायोड में जानते हैं कि डायोड में हम जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, ये जो बैरियर रीजन है, इस बैरियर रीजन की विड्थ बढ़ते जाती है ना। आप जो मैंने डायोड के पीएन जंक्शन के बारे में बताया था, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ये जो जैसे जैसे हम लोग बैरियर रीजन की जैसे जैसे हम लोग रिवर्स बायस बढ़ाते जाते हैं डायोड के एकरास, वैसे ही क्या होता है यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन की लंबाई जो है वह बढ़ते चली जाती है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करती है, जो नेगेटिव वोल्टेज है उस नेगेटिव वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि इस डायोड का जो रिवर्स जो जंक्शन होगा, जो डिप्लेशन रीजन होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, है ना। तो देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पर हम कैपेसिटेंस के फार्मूले से जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी बराबर होता है एप्सिलॉन ए बाय डब्ल्यू डी। ठीक है, जिन बच्चों का 12वीं फिजिक्स है उनको यह फार्मूला जो अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है, और जिन्हें नहीं याद है, जो बच्चे 10th वाले हैं, तो वो समझ सकते हैं कि एक फार्मूला होता है। ठीक है, केवल अभी आप अभी के लिए फ़िलहाल में आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी था हमें कैपेसिटर, तो आप लोग ये जो है इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर चूंकि विड्थ चेंज हो रही है, तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, तो चूंकि इसकी विड्थ जो है वह चेंज हो रही है, अब देखिए अब विड्थ जो है बढ़ गई इसकी, है ना, विड्थ बढ़ जाएगी तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस डायोड का यूज़ हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर की तरह कर सकते हैं, है ना। इसे हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर,
वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसी कारण इसका नाम दिया गया है वेरिएबल यानी परिवर्तित। तो वेरिएबल का VAR इसे जो है इनिशियल लेटर्स को ले लिया गया है, और कैप के लिए CAP है ना। तो यहाँ पर ये हो गया वेरी कैप या वेरेक्टर डायोड है ना, वेरेक्टर डायोड ठीक है, या वेरिएबल कैपेसिटर ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो डायोड होता है, जिस डायोड को हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेरेक्टर डायोड ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है रिवर्स बायस में किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो वेरेक्टर होता है, इसे ब्रेकडाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है ना, इसे ब्रेकडाउन के पहले तक ही इस्तेमाल किया जाता है। कल हमने VI कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, तो इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में चूंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो नेगेटिव में मैंने बताया था कि इस तरह से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो जो हमारा वेरेक्टर डायोड होगा, उसको आप यहीं तक इस्तेमाल करेंगे है ना, इसे हम लोग ब्रेकडाउन तक नहीं ले जाएंगे, वरना इसका जो जंक्शन है वो रप्चर हो जाएगा ठीक है। तो ये वेरेक्टर था। अब वेरेक्टर में देखिए हम सिंबल देख लेते हैं वेरेक्टर का किस तरह से होता है। अब यदि आप केवल सिंबल भी याद रख लें, तो आप जो है इन डायोड्स की वर्किंग को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे जो वेरेक्टर होता है, वेरेक्टर में ये नॉर्मल डायोड की तरह हम लोग सर्किट बनाते हैं, और इसके आखिरी में ये कैपेसिटर का सिंबल जोड़ देते हैं ठीक है। चूंकि ये वेरिएबल है, तो इसे आप घुमा दीजिए यहाँ पे है ना। तो ये सिंबल जो गया, ये सिंबल दर्शा रहा है आपका वेरेक्टर डायोड को ठीक है। ये हो गया वेरेक्टर डायोड ठीक है, ये हो जाएगा वेरेक्टर डायोड। सॉरी, ये तो ये होता है वेरेक्टर डायोड ठीक है। तो इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है, चलिए अब तो चूँकि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड करते हैं। आधा घंटा सुफिशियंट है। तो कल जो है हम बाकी के जो अभी चार दो डायोड जो हैं और आपके सिलेबस में, उनके बारे में बताना, अभी आज शेष रह गया है, तो उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जो है आपका रेक्टिफायर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। तो लगभग ये जो चैप्टर है फिर ये एंड की ओर पहुंचने वाला है ठीक है। तो इस वीक में हम ये वाला जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर इत्यादि वाला, इसको हम पूरा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।